प्रिय विद्यार्थियों, आरसीआई एजुकेशन हब बानसूर की ऑनलाइन क्लास में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। विद्यार्थियों, संधियां चल रही हैं जिसमें स्वर संधि के जो भेद हैं वो है अब वृद्धि संधि। वृद्धि संधि का जो सूत्र है वो है वृद्धि रेचि सूत्र है। इसमें आपको सूत्र की व्याख्यात्मक जो बातें हैं, सूत्र का जो विस्तृत व्याख्यान है वो आपको अच्छी तरह पढ़ करके और उसके ऊपर अच्छा मनन करें जिससे अपने को संधि आ जाएगी। जब जैसे सूत्र के आधार पर अपन लिखते हैं कि जब ए आ के बाद, जब ए आ के बाद ए या आई स्वर वर्ण आए, जब ए आ के बाद ए या आई स्वर वर्ण आए तो संधि करते समय ए या आई का आई होगा। आई की डबल मात्रा होती है होगा। एक नियम तो ये होगा कि जब ए आ के बाद में ए या आई स्वर वर्ण आए तो संधि करते समय क्या होगा, ए या आई का आई होगा। संधि करते समय ए या आई का आई होगा। तथा दूसरा नियम है, तथा ए आ के बाद ओ या औ स्वर वर्ण आए तो संधि करते समय ओ या औ का औ होगा। प्रिय विद्यार्थियों, इन बातों पर आप ध्यान दें कि जब संधि करेंगे तो ए और आई का आई होगा और ओ या औ आता है तो उसकी जगह औ होगा, वृद्धि हो जाएगी, मात्राओं में वृद्धि। जैसे ए आई का आई डबल मात्रा, ओ औ का औ होगा। जैसे अपना नियम पहला डालते हैं इसमें। जैसे ए आ के बाद में ए आई या आई आई, तो इनकी जगह दोनों जगह क्या हो जाएगा, आई, और आई की मात्रा होती है ये। जैसे आपको बताएं, उदाहरण देके बताते हैं, जैसे आपको बताएं सदा प्लस एव, ये उदाहरण है। अब दे में क्या है, आ है ये आ, और इधर क्या है ए, इन दोनों की जगह क्या आ गया आई, इन दोनों की जगह आई आएगा। जब दे में आ निकालेंगे तो आदत दे बचेगा, स दे प्लस आई प्लस व। अब इसका करो, आप मिलाओ स दे में आई मिलाएंगे तो दई स दई व, स दई व है। इस प्रकार से इसके अन्य उदाहरण हैं, सदैव है, ममैव मम प्लस एव, कथैव नैव, सैव, सदैव है, ममैव है, कथैव है, नैव है, सैव है, चैव, इत्यादि जो शब्द हैं ये इस पहले नियम के उदाहरण हैं।
इन नियमों को आप अच्छी तरह उतार करके और इसको आप अच्छी तरह लिखें। नंबर दूसरा जो नियम है वो किस प्रकार से है, दूसरा नियम देखें आप, दूसरा नियम को आप अच्छी तरह देखें। जिस तरह पहला नियम है उसी तरह से दूसरा नियम है कि दूसरा नियम देखो आप, नियम नंबर दो, ए और आ के बाद में ए सॉरी ओ या औ आता है तो इन दोनों की जगह हो जाएगा औ। क्या हो जाएगा? औ। जैसे आपके पास है महा प्लस औषधि, महा प्लस औषधि है, आ है इधर तो आ है और इधर है औ, इन दोनों की जगह क्या बना? औ। तो मह प्लस औ प्लस सदि मिलाएंगे, मैं है, मैं है, आ है, आ और औ, औ क्या औ की जगह क्या हो गया? औ। तो इसमें इसको मिलाएंगे तो क्या बनेगा? मैं हौ सधि, मैं हौ सधि, यानी औ का औ होगा ना इसमें, मौषधि। इसी प्रकार से अन्य उदाहरण है, जैसे मौषधि है वन औषधि, राज औषधि, वन औषधि, राज औषधि, गृह औषधि इत्यादि जो शब्द हैं ये दूसरे नियम के शब्द हैं। इन पर आप विचार करें और विचार करके अपने नोट्स बुक में उतारें, उतारने के बाद में इनको अच्छी तरह से याद भी करें। नियम अच्छी तरह याद हो जाएंगे, व्याख्यात्मक रूप अच्छी तरह याद होगा, तो ये संधि जो शब्द हैं इनका विच्छेद करना और विच्छेदों का संधि करना कोई कठिन काम नहीं है। आप अच्छी तरह उतार करके याद भी करें, आगे का वीडियो आगे बताएंगे। धन्यवाद।